देश में कोरोना के साथ साथ अब ब्लैक फंगस का मामला तेजी से विस्तार कर रहा है। बिहार में भी इसका असर दिखाई देने लगा है। इससे कई संक्रमित लोगों की जान भी चली गई है। पटना के मशहूर दंत चिकित्सक शुभम कुमारी की माने तो यह बीमारी का इलाज संभव है। उन्होंने आगे बताया कि संक्रमित मरीज समय रहते हुए इसका इलाज समय पर कराता है तो इसको ठीक भी किया जा सकता है। उन्होंने आगे बताया कि ब्लैक फंगस कोरोना से ठीक हुए मरीजों को होता है, खासकर जो मधुमेह जैसी बीमारी से ग्रस्त हों। इस बीमारी से मरीज की आंख की रोशनी चली जाती है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है दंत चिकित्सक शुभम कुमारी का। हेलो, आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आशा करती हूँ आप सभी अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, और जैसा कि अभी कोरोना काल चल रहा है, आप लोग अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते खेलते रहिए, और अपने जो भी आपके दिनचर्या के जो भी रूटीन है, आप योग करते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं और हेल्दी डाइट लेते हैं, तो एज इट इज आप उसका पालन करते हैं। एक्चुअली आज मेरा आने का बहुत बड़ा मकसद है, आप लोगों के सामने बात करने का बहुत अच्छा मौका मिल रहा है मुझे। एक्चुअली बहुत लोग जो अभी नई बीमारी आ रही है हमारे देश, पहले तो हम लोग कोरोना से अभी उबर नहीं पाए हैं और अचानक एक नई बीमारी ने दस्तक कर रखी है हमारे इंडिया में। तो जैसे कि इसका नाम है ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस, तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है, लोग इसको अनदेखा ना करें, क्योंकि ये बीमारी उन मरीजों में ज़्यादा हो रही है जो पोस्ट कोविड पेशेंट जो रिकवरी कर चुके हैं, ठीक है, तो ये उन मरीजों में ज़्यादा देखा जा रहा है। क्या होता है कि कोविड के ठीक होने के बाद ही म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस की शिकायतें लोगों में आ रही है, देखने को मिल रही है ज़्यादातर। इस बीमारी में क्या होता है कि जब कोविड पेशेंट जो भी आप अपने जो भी आपके आस पड़ोस में जो भी कोविड पेशेंट है या आपके हॉस्पिटल्स में या नर्सिंग होम्स में या डेंटल क्लिनिक्स में जो भी पेशेंट आ रहे हैं, वो सब आफ्टर कोविड ही आ रहे हैं। जो भी जिनको कोविड से डिस्चार्ज हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, वैसे पेशेंट ही आ रहे हैं। जिनका पीछा ये म्यूकोरमाइकोसिस छोड़ नहीं रही है, जो लगातार ही ये समस्या देखने को मिल रही है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको अगर सही तरीके से अगर हम लोग सही टाइम पे देख रेख करेंगे, सही टाइम पे अगर हम लोग इसको पहचान लेंगे, इसका सही टाइम पे अगर हम लोग ट्रीटमेंट कर देंगे, तो ये ट्रीटमेंट हो सकता है, ये क्योर हो सकता है। तो प्लीज़ आप लोग बिल्कुल भी घबराए नहीं, आप चौकन्ना रहें, हमेशा जागरूक रहें, क्या हो रहा है हमारे शरीर के साथ, आप हमेशा उसको वॉच करते रहें। अगर आप कोविड पेशेंट हैं तो आप अपने शरीर में देखे गए हर एक उन चेंजेस को बताइए डॉक्टर से, हर एक उन चीज़ों को आप कंसर्न में रहिए, ताकि आपको कोई फर्दर कोई चीज़ों की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। मैं देखती हूँ बहुत सारे ऐसी चीज़ें, जैसे लाइक अभी आजकल बहुत सारे अफवाह उड़ रही हैं कि ब्लैक फंगस लोगों की जाने ले रहा है, लोगों का की सीधे मृत्यु दर बढ़ रहा है ब्लैक फंगस से, तो बिल्कुल ऐसा हो रहा है, लेकिन ये उन पेशेंट के साथ हो रहा है जो कि समय पे इसका इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। मृत्यु दर तो है ही, लेकिन वो लास्ट स्टेज का चीज़ है जब वो ब्रेन तक पहुँच जाता है। क्या है कि इसके लक्षण जैसे आपको दिखेगा, जैसे मैं आपको आज इस माध्यम से बता रही हूँ कि म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के क्या क्या लक्षण हैं। पहले तो मैंने आपको बताया कि ये पोस्ट कोविड पेशेंट में ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है, जो पोस्ट कोविड रिकवरी पेशेंट है उनमें ज़्यादा कुछ देखने को मिल रहा है। दूसरी बात कि लक्षण जैसे आपको दांतों में दर्द होना, आपके दांतों का हिलने लगना, जबड़े में सड़न होना, या आपके जो मसूड़े हैं उससे लगातार पस आने की शिकायत, तो ये सब लक्षण जो हैं वो दांत में देखे जा रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है, अगर आपके घर में कोई कोविड पेशेंट है, उनके साथ लगातार ऐसी लक्षण आ रही हैं, तो प्लीज़ आप चौकन्ने हो जाइए, आप नज़दीकी अपने जो भी डेंटल्स हैं उनसे आप सलाह मशवरा कीजिए कि सर मेरे को ऐसा सा शिकायत है, आप प्लीज़ इसका ट्रीटमेंट आगे देखिए।
बहुत सारा चीज है, जैसे ये अगर हम लोग इसका ट्रीटमेंट सही समय पे नहीं कर पाते हैं, सही समय पे हम लोग उसको नहीं ठीक कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपने जबड़े को भी खोना पड़ जाता है। मेडिकल टर्म में इसका नाम हम लोग दिए हैं लाइक ऑस्टियोमायलाइटिस। ओके, जैसे ऑस्टियोमायलाइटिस मीन्स हड्डियों का सड़न होना, हड्डियों में इन्फेक्शन होना, तो ये उसी तरह का एक बीमारी है म्यूकरमाइकोसिस, जिसको हम लोग ब्लैक फंगस भी कहते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, जो भी लक्षण ऐसे आ रहे हैं तो प्लीज आप अपने नजदीकी डेंटिस्ट से जाके जरूर मिलें। दूसरी बात कि ये बीमारी होती क्यों, लाइक बहुत सारे ऐसे जगह मैं देख रही हूँ, लाइक आप बहुत सारे ऐसे स्टडीज भी आ चुकी हैं अब तो, कि उन लोग स्टडीज में ये देखा जा रहा है कि जिन पेशेंट्स को मधुमेह की शिकायत रही है, जिन पेशेंट्स को बहुत ज्यादा कोविड में ट्रीटमेंट हम लोग स्टेरॉइड्स चला रहे हैं, तो उस पेशेंट में, या फिर जिनकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा कमजोर है, तो उस पेशेंट को इसकी खतरा बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि उस दौरान हम लोग क्या करते हैं ना, स्टेरॉइड्स चलाते हैं कोविड पेशेंट में। तो स्टेरॉइड्स चलाने से कहीं ना कहीं क्या होता है कि ब्लड हमारे बॉडी में जो शुगर लेवल है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इसका खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है हमारे शरीर में होने के लिए। तो प्लीज आप इसका ख्याल रखेंगे, ठीक है। आप जो भी अपने नजदीकी डेंटिस्ट है, या आफ्टर कोविड अगर आपको ऐसे लक्षण आते हैं, तो प्लीज आप अपने नजदीकी दंत चिकित्सक से सलाह जरूर लें। तीसरी बात कि अगर हम लोग इसका सही समय पे इलाज नहीं करें तो ये ब्रेन तक भी पहुंच सकता है। ये एक्सट्रीम कंडीशन है, जब आप नहीं ध्यान देते हैं, ध्यान देते देते या तो छोड़ देते हैं कि मुंह का चीज है, जबड़े का चीज है, कुछ हो रहा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे, ठीक है, क्योंकि ये मुंह और जबड़े के थ्रू ही ये ब्रेन तक पहुंच सकता है। ये नाक से शुरू होता है, ठीक है, ये इन्फेक्शन हमारे नाक से शुरू होता है, जो हमारे साइनस में जाता है, ठीक है, हमारे साइनस में जाते हुए ये पूरे जबड़े को इन्फेक्शन करता है, ये पूरे जबड़े को इन्फेक्ट करता है, उसके बाद ये धीरे धीरे हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है। इसलिए भी इसका नाम दिया गया है राइनो सेरिब्रो ल्यूकोमाइकोसिस, ठीक है। तो इन सब चीजों से डरे नहीं, मैं आपको आज डराने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि आपको जागरूक करने के लिए आई हूँ कि आप में क्या क्या लक्षण दिख, और कहीं ना कहीं आपका जबड़ा सुरक्षित रहेगा, बचाव में रहेगा। तो आज इस माध्यम से मैं आप लोगों को जितना भी चीज बता पाई हूँ, आई थिंक कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, मुझे आना जरूरी था आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी गांव देहात में भी बहुत कोविड पेशेंट्स बढ़ गए, तो म्यूकरमाइकोसिस के बारे में लोग बहुत कम जान रहे थे। तो ऐसे में आप लोगों तक अगर ये मेरी बात पहुंच पाए, आप लोगों को कुछ फायदा हो पाए, तो मैं बहुत आभार मानूंगी। और प्लीज आप लोग तहे दिल से आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, डबल मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि अब जैसा टीकाकरण चल रहा है हमारे भारत में, तो आप प्लीज टीका भी जरूर लें, क्योंकि टीका लेना आपके लिए कहीं ना कहीं आपके लिए खतरा कम बना लेता है, आपके जो मल्टी ऑर्गन जो भी आपके शरीर में लंग्स हैं, किडनी है, उनको कहीं ना कहीं डैमेज नहीं कर पाता है टीका लेने से। बहुत लोग के मन में ये भी अफवाहें हैं कि टीके लेने से लोग मर जाते हैं। कुछ दिन पहले मैं न्यूज में देख रही थी कि ऐसा बहुत जगह आ रहा है राजस्थान के बीकानेर के जगह से, कि टीका लेने से बहुत लोग मर जाते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है, टीका लेने से किन्हीं का निधन नहीं हो रहा है, जिनका बहुत ज्यादा कोविड है, जिनका बहुत ज्यादा कोविड हो रखा है, या उनके बॉडी में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन बन रखा है, या वो पहले से बहुत सारे डिजीजे से घिर रखे हैं, उनका ही मृत्यु दर बढ़ रहा है। अदरवाइज कोविड के पेशेंट के रिकवरी रेट बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप प्लीज आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, और नित प्रतिदिन आप जो भी मैं आपको हमेशा इंस्ट्रक्शन देते आई हूँ कि आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा मेंटेन रखिए, सुधारिए। और बस आज का सेशन यहीं तक, और मैं चाहूंगी कि आप लोग हमेशा हंसते खेलते रहें, अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहें। बहुत बहुत